हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाने वाली हूँ गोश्त की कढ़ी। गोश्त की कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए ये 250 ग्राम गोश्त है विद बोन। कोशिश करें कि आप गोश्त जो है वो हड्डी वाला लें, इससे कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। और ये है 3 से 4 कटे हुए टमाटर, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 4 हरी मिर्च। गोश्त को अच्छे से वॉश करके एक कुकर में गोश्त, प्याज और टमाटर को ऐड कर लें। और हरे मसाले में मैं लूँगी कड़ी पत्ता, हरा धनिया यानी कि कोथमीर और पुदीना। पुदीना ऑप्शनल है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून फुल कुकिंग ऑयल और 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून फुल लाल मिर्च पाउडर। अब हम यहाँ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। फीका खाना चाहते हैं तो कम डालें, तीखा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डालें। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून फुल अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अब इन सभी मसालों को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 कप वाटर और इसे अच्छे से मिक्स करके लिड बंद करके इसे गोश्त के गलने तक पकाऊंगी। अब यहाँ पे मैं 1 मुट्ठी इमली अच्छे से वॉश करके इसे भीगने रख दूंगी। जब गोश्त 70% गल जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून फुल ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून फुल धनिया पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका तेल छूटने तक इसे पकाऊंगी। गोश्त जो है अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी इमली का खट्टा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरा मसाला, पुदीना, कोथमीर और कड़ी पत्ता और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च। अब यहाँ पर हम लेंगे 2 टेबलस्पून फुल चिक्की फ्लावर और इसे अच्छे से हम घोल लेंगे। खट्टे को हम 7 से 8 मिनट पका लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये बेसन का घोल जो हमने बनाया था। चने के आटे का घोल ऐड करने के बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ना तो ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा पतला है, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम मीडियम है, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा पतला ही रखें क्योंकि जो कढ़ी है वो ठंडी होने के बाद में थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला आप पहले भी डाल सकते थे लेकिन लास्ट में ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून नमक और इसे 7 से 8 मिनट के लिए मैं पका लूँगी ढक्कन ढक के। अब ये जो है गोश्त की कढ़ी बन के रेडी है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। आपको ये गोश्त की कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।